इसी बीच केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल जगह जगह लोगों का धन्यवाद करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में दिख रही ये चार तस्वीर सोनीपत, समालखा, करनाल और गन्नौर की है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का भव्य स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि मनोहर लाल लगातार दो बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। इस लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उनसे इस्तीफा दिलवाकर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़वाया। करनाल से जीतने के बाद मोदी सरकार में उन्हें आवास एवं शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर सोनीपत से, समालखा से दूसरी तस्वीर, करनाल से ये तीसरी तस्वीर और चौथी तस्वीर गन्नौर से है। हमारे जितने शिक्षा संस्थान हैं, हमारे एयरपोर्ट हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, हमारी हर तरह की चिंता वो कर रहे हैं। हमारे गरीब समाज के लिए भी उन्होंने अब जैसे मकान 3 करोड़ में नए मकान देने का फैसला पहली कैबिनेट मीटिंग में कर लिया है, उसमें भी हरियाणा का हिस्सा जितना ज्यादा ज्यादा होगा वो हम लेकर के यहाँ के गरीब समाज को और मकान जो दिलाने की बात करेंगे। हरियाणा सरकार में भी जो इस आचार संहिता के काम रुके हुए थे वो 3 महीने में अधिकारियों ने काफी आगे बढ़ाए हैं। अब एक एक काम आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हैं। रोजाना कोई नई चीज आ रही है आपके सामने, चाहे वो हैप्पी योजना हो, हर गरीब व्यक्ति को 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा बसों में ये अभियान शुरू हो चुका है। इसी प्रकार जो प्लॉट ऐसे 100-100 गज के गरीबों के बचे हुए थे कांग्रेस, अगले 3 महीने बाद फिर से लोकसभा का जैसे विधानसभा का जैसे चुनाव आ रहा है, तो विधानसभा के चुनाव के समय हमने जो अभी कमी रह गई है, जहाँ भी रह गई है, किसी भी प्रकार से रह गई है, उसको हमने ठीक करना है। और एक एक बूथ को संभालो आप लोग, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने कई प्रकार के ऐसे होछे हथकंडे अपनाए, गलत तरह का प्रचार किया और उस प्रचार के कारण से हमारा एक वर्ग उनके झांसे में आ गया। उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन दिए और गलत वक्तव्य दे करके कि आखिर मोदी जी सरकार तो 272 बना लेगी लेकिन 400 क्यों चाहिए, इस प्रश्न को लेकर के कि अगर 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, ये मिथ्या प्रचार जो उन्होंने किया है, मैं इसकी निंदा भी करता हूं और हम उस वर्ग को जाकर के बताएं, समझाएं कि संविधान हमारे लिए पवित्र गीता की तरह है। संविधान बदलने का कभी कोई विषय आज तक आया नहीं, कभी आएगा नहीं, तो इसलिए इस विषय पर हम उन भाइयों को जाकर समझाएं जिनके मन में ये डर बैठा दिया। आखिर पिछली सरकारें लगातार 10 साल तक जो चली हैं, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अब बड़े कामों की तरफ तो उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं घर कर गई हैं, इसमें हमें जाके संभालना होगा। और अब अगले 3 महीने बाद हम अपनी जो भी जहाँ जहाँ कोई कमी आई है उसको दूर करने के लिए आप लग जाएं। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि भारत सरकार इतना भी ज़्यादा ज़्यादा सहयोग हरियाणा का कर पाएगी। हम 3 मंत्री वहाँ हैं, अपने अपने विभाग से भी कराएंगे, बाकी सब जगह भी कराएंगे। सोनीपत जिला तो से मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हरियाणा का इतना बड़ा हिस्सेदारी उन्होंने की है। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव आया है, अगले 3 महीने में फिर से विधानसभा का चुनाव आने वाला है और मेरा एक ही निवेदन है, जो पसीना भले ही हमारे इस लोकसभा चुनाव में कमी रह गई हो, लेकिन जो पसीना आपने चुनाव में बहाया है वो अगले 3 महीने में मित्रों चुनाव के बहाए हुए पसीने को सुपने मत देना। संविधान इस देश का बदला नहीं जा सकता, डॉक्टर अम्बेडकर ने वो लिखा हुआ था।